इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में जानने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। द नॉलेज विच इज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस इज कॉल्ड साइंस। वो सारे का सारा इल्म जो हम लोग मुख्तलिफ मुशाहदात और मुख्तलिफ तजर्बात की रूह से हासिल करते हैं उसको साइंस कहते हैं। साइंस को मेजर पांच क्लासेस में, पांच ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी की, कि बायोलॉजी क्या है। Biology is made from two Greek words. First one is the bios and second one is the logos. Bios means life and logos means thought or reasoning. So biology is a scientific study of life. इस दुनिया में जितने भी living organisms पाए जाते हैं वो किस तरह से अपनी life spend करते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज के बने हैं और वो किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इन सारी चीजों की स्टडी बायोलॉजी के अंदर आती है। जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तीन मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। इसी तरह से हम लोग बायोलॉजी को भी तीन मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, बायोलॉजी को तीन मेजर ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, कि प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी कहते हैं, एंड स्टडी ऑफ द एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, एंड स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर, व्हाट आर प्लांट्स, व्हाट आर एनिमल्स एंड व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते और अपनी फूड की प्रोडक्शन खुद कर सकते हैं, उनको हम लोग प्लांट्स कहते हैं। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं लेकिन अपनी फूड की प्रोडक्शन खुद नहीं कर सकते, उनको हम लोग एनिमल्स कहते हैं। एंड द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई एंड कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, एंड स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी।